और अभी हम किले में एंट्री कर रहे हैं और मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी ऊपर से कितना अच्छा व्यू आता है। ये देखो और देखो बिल्कुल हम पास में आ गए किले में और एंट्री गेट है यहाँ पे। नहीं पहले भी ऐसा ही था। ये तुगलक फोर्ट है, ये आदिलाबाद का किला है, तुगलक का, तुगलकाबाद में। तो गाइस मैं अभी थोड़ा थक चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा बैठ गई हूँ। अब जब तक आप देख सकते हो ये देखो ये यहाँ का एंट्री गेट है और देखो यहाँ बिल्कुल प्लेन वाली सीढ़ियाँ। और ये यहाँ से अंदर का एंट्री गेट है, अंदर आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। ये देखो अब ये थोड़ा पहले से डेवलप हो चुका है, मेरी सांस काफी फूल रही है। फिर इधर इधर देख के आते हैं क्या है। देखो अभी तो यहाँ पूरा पार्क है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ये फ्लावर्स वाले पौधे। ये देखो ये ऊपर क्या है मम्मी? गाइस ये कमेंट करके बताना ये किस चीज का पौधा है जिस पर ये व्हाइट कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। गाइस मुझे पता है। और देखो यहाँ पे लोग बाग जो है सुबह सुबह आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैठते हैं एकांत जगह में आके बैठते हैं, आराम से रहते हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ये देखो मैं ये पढ़ रही हूँ इसके। और यहाँ लिखा है कि ये आदिलाबाद का किला है, ये 1325 से 1351 के द्वारा बनाया गया था, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित होने के कारण इसे मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता है एवं इसे दिल्ली का चौथा किला माना जाता है। आदिलाबाद के किले की योजना तुगलकाबाद के किले से मिलती जुलती है और यह तुगलकाबाद किले के दक्षिण में स्थित है। यह किला तुगलकाबाद किले से एक रास्ते से जुड़ा है हुआ था जिसके परिणाम आज भी मौजूद हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहां से जो है सामने तुगलकाबाद का जो किला है वो भी दिखता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर दोबारा से दिखाऊंगी कि हम जब यहाँ पे ऊपर खड़े होते हैं इस किले पे तो सामने हमें तुगलकाबाद का किला भी दिखाई देता है। और मैं अभी आदिलाबाद किले पे खड़ी हूँ और देखो यहाँ सामने से तुगलकाबाद का किला दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये उसके सामने देखो ये गुम्मत दिखाई दे रही है। गाइस हम गुम्मत का भी टूर करेंगे एक दिन। अब किसी दिन मैं तुगलकाबाद का किले को भी एक्सप्लोर करूंगी, उसके बाद उसके सामने जो वो गुम्मत है उसमें भी जाऊंगी, फिर आपको वहाँ की वीडियो भी डालूंगी। और आपको अगर मेरी वीडियो देखनी है तुगलकाबाद किले की तो आप मेरे को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो और ये देखो यही तुगलकाबाद विलेज दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ऊपर आपको आवाज आ रही होगी तो देखो ये एरोप्लेन जा रहा है। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा। फिर पीछे देखो बच्चे खेलने आते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई योगा कर रहा है। देखो ये जो जहाँ से हम अभी निकल के आए थे ये वही पार्क है जिसमें बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उधर की साइड।
और आप भी कभी यहाँ इस किले में आइए, बहुत सुबह मॉर्निंग में आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मॉर्निंग में थोड़ा यहाँ ठंडक रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम कभी दिन में तो कभी आए नहीं, जब भी आए हम मॉर्निंग में ही आए, और आप भी एक बार ज़रूर आके एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी हम थोड़ी वॉक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और पीयू यहाँ रनिंग कर रही है, और पीयू के पापा वहां बैठे हैं, देखो फोर्ट का मैप है कि कैसे कैसे यहाँ पे वो आते थे। चलो अब हम ऊपर जाएंगे किले, चलो चलो चलो। यहाँ की जितनी भी सीढ़ियाँ ना, बड़ी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ। और हम आ गए किले के ऊपर, और हम आ गए किले के ऊपर। अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से, तो अभी इसमें बारिश हुई है ना जैसे, तो थोड़ी घास फूस हो रही है देखो, तो थोड़ा डर लगता है कि सांप वगैरह या कुछ ना निकल आए। बाकी व्यू तो काफ़ी अच्छा है। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे पीछे, यहाँ से देखो गिरने का भी डर है, देखो। नहीं गाइस, गिरने का डर तो नहीं है। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। हाँ तो गाइस, अब यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ना एक तो यहाँ पे इतनी ठंडक महसूस होती है। वैसे तो हम घरों में रहते हैं ना, हमें टाइम है इतना कहीं आने जाने का, पर सैटरडे संडे में तो हम आ ही सकते हैं। यहाँ आ जाओ इधर, और ये इसका ना बैक साइड का व्यू है देखो, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये बैक साइड है। इधर पीछे की तरफ शायद ये करनी सिंह शूटिंग रेंज भी आपको दिखाई दे रही है। देखो अभी मैं आपको दिखाती जूम करके, ये देखो ये उधर की साइड शायद करनी सिंह शूटिंग रेंज वाला जो स्टेडियम है वो है, ये देखो। और ये वहाँ तक पूरा पूरा ग्रीन है, पूरा पूरा ग्रीन है, ये देखो, बहुत ही जबरदस्त व्यू है देखो गाइस, ये देखो। और सुबह के सुबह के टाइम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हम आ गए किले के ऊपर, और ये देखो यहाँ पे ये छोटे 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 दरवाजे बने हुए हैं। उस टाइम पे पता नहीं यहाँ क्या होता होगा, कुछ आइडिया नहीं है, ये देखो। पर किला उस टाइम पे सुंदर तो बहुत होगा, ये तो पक्की बात है। और अभी देखो ये यहाँ से पूरा किला मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो। अभी तो वैसे इसमें ज्यादातर दीवार ही दीवार दिखाई दे रही है, पर उस टाइम पे जब ये होगा तो ये बहुत ही सुंदर लगता होगा, देखो। और यहाँ से देखो सूरज भी कितना अच्छा लग रहा निकलता हुआ। पीयू पीछे आ जाओ, और जिस दीवार पे हम खड़े हैं ना गाइस, देखो ये कितनी ऊंची दीवार है, देखो ये कुछ नहीं है, काफी ऊंचे पे खड़े हैं। मैं इसमें कूदती हूँ, देखो गाइस ये कुछ नहीं है, ये मनके पे है। अभी मैं थोड़ा आगे तक जाने वाली थी, पर फिर थोड़ा वहाँ ना घास ज्यादा है तो गई नहीं, क्योंकि पीयू मेरे साथ अकेले होती तो मैं चली भी जाती। पीयू थोड़ा ऐसे निकली नहीं है ना इधर, किले विले में पहली बार ही आई है तो ये थोड़ा डरती है। मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ, और अभी हम करेंगे वॉक थोड़ी देर, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जब तक के मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और गाइस मैं आपको अभी एक चीज और दिखाती हूँ, देखो ये थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। गाइस मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये देखो ये उनका कुआं होता होगा उस टाइम पे, ये देखो बहुत गहरा है नीचे जाके, तो उतना आगे मैं जा नहीं सकती, ये देखो। अरे मुझे पापा, यहाँ देखो नहीं में, यहाँ भी बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, ये देखो।
सीटी क्यों बजा रही है? ऊपर ही है ना, कुछ कहा कुआ दिखाना। तो घर से निकलते हुए मैंने कहा था कि आज मैं आपको कुछ सरप्राइज दूंगी, तो यही था मेरा सरप्राइज कि मुझे आज ये जो आदिलाबाद का किला है पूरा एक्सप्लोर कराना था आपको। जितना मेरे को इसके बारे में पता है उतना मैंने आपको बता दिया है, वीडियोस भी डाल दूंगी कि इसमें क्या क्या है। वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर जितना भी है, एक तो इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो आपके आपको आके वैसे ही इतना अच्छा लगेगा मॉर्निंग में, इतना मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है, इतना अच्छा इतना शांत माहौल है ना यहाँ का कि आप एक बार ज़रूर आके देखें। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, देखो ये देखो गाइज। मेरे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मम्मी ऊपर, और हम दोबारा से ऊपर आ गए हैं ऊपर वाली दीवार पे, और यहाँ से ये व्यू देखो। थोड़ा डर तो लगता है इस पर व्यू अच्छा मिलता है यहाँ से। चल रुक रुक रुक, वो तो वो डालते थे। चलो पापा मुझे खींचना पड़ेगा आपको, मैं कूद रही नीचे। और देखो गाइज मैं कैसे कैसे रास्तों से निकल रही हूँ कि आपको वीडियो दिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्यार दो। और पीयू आ रही है अभी, पीयू की आज अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी है। पीयू बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे किले में जाना है, मुझे भी दिखा के लाओ, तो फाइनली आज पीयू ने किला देख लिया। पीयू कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। अब हम जा रहे हैं कायमाई के किले में। और उधर से उसकी किले की एंट्री थी, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ से एग्जिट है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, अब हम जा रहे हैं, उधर से हमने एंट्री की थी और यहाँ से एग्जिट है। ये देखो, ये यहाँ भी एक गेट लगा हुआ है बड़ा, देखो। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं देखो, और यहाँ से व्यू, इस साइड से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, आप एक बार जरूर आके देखिए, किला बहुत ही सुंदर है। और बहुत से लोग क्या मैंने देखे हैं कि यहाँ से क्या है, पेड़ पौधे उखाड़ के ले जाते हैं, चाहे वो उनके घर में उगे या ना उगे, और मुझे इतना बुरा फील होता है बहुत ज़्यादा कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है तो आप उसको मेंटेन। और यहाँ से ये किले की एग्जिट है देखो, इधर से और पीयू देखो, अभी पीयू आएगी दौड़ते हुए यहाँ से। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट उस पे, और अभी हम आगे जाएंगे, एक नया पार्क है, इसी की साइड में एक पार्क और है, उसे दिखाऊंगी मैं आपको, वो भी बहुत सुंदर है। साउथ दिल्ली में रहने का एक फायदा है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, मतलब काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखो,